दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय लूथरा परिवार में बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है, क्योंकि लूथरा परिवार का चिश्मोचराग यानी सौर्य पूरी तरीका से जो कि टक्कर लेता हुआ नजर आने वाला है अब वो एक बार फिर से राजवीर के साथ में। और राजवीर भी इसी फैमिली का हिस्सा है, प्रीता और करण का दूसरा ही बेटा है। आप लोग जानते ही हैं कि जहाँ पर राजवीर एक अच्छा सभ्य लड़का है और वहीं पर बात की जाए सौर्य की, वो सबसे ज़्यादा बिगड़ा और बदतमीज लड़का है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जल्दी ही प्रीता और सभी को पता लगने जा रहा है कि राजवीर का करैक्टर क्या दर्शाता है। आप लोग जानते ही हैं कि राजवीर एक ऐसी शख्सियत है जो आप लोग जानते हैं कि किस तरीका से लगातार आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। क्योंकि राजवीर तो बोल रहा है इस चीज़ को कि जो मेरा मन होगा मैं वो करूँगा। वहीं बात की जाए तो ये सबरा दोस्त निधि का है, और निधि ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को सभी चीज़ को छुपा कर रखा था इन सभी लोगों से। लेकिन आप लोग जानते ही होंगे कि निधि की करनी अब निधि को भरनी भी पड़ेगी, क्योंकि जहां पर पूरी तरीका से राखी माँ और इधर करीना बुआ का सभी का बिल फटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि निधि भी इस समय बदतमीजी कर रही है सभी घर के लोगों के साथ में। सिर्फ करण और ऋषभ दो ही ऐसे शख्स हैं कि जिनके साथ में वो पंगा नहीं ले सकती, बाकी वो सबके सामने पंगा लेती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में ट्विस्ट बदलेगा, रंग बदलेगा, नज़ारा बदलता हुआ नजर आएगा जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार। इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं कि आखिरकार क्या कब कैसे हो सकता है, क्योंकि जल्दी ही लूथरा परिवार का आमना सामना जो होगा वो होगा सीधा सीधा प्रीता के साथ में। और प्रीता आसानी से ना कभी किसी से हार मानी थी और ना कभी किसी से हार मानेगी, क्योंकि दोस्तों प्रीता के साथ में सृष्टि है जो कि सृष्टि जब चाहे जिसकी चाहे उसकी बैंड बजा सकती है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।